जा रहा हूँ। रुकिए कैमरा अपने पार्ट बन के वापस मुसाफ कर लेते। सो मॉर्निंग मॉर्निंग गुड मॉर्निंग हे भगवान, ठीक से लेके जाना, ठीक से लेके आना। सो गाइस यहाँ पे 700 में फुल टैंक हो गया, वैसे भी कल रात को मैंने 200 का भरा था, 700। चलो फिर चलते हैं। एक्चुअली फुल टैंक नहीं करना चाहिए था, इसमें से फुल टैंक में ना पेट्रोल गिरता है। ये तो आपने डाला है ना, ये तो बहुत जोश में था। अगर भाई लोग नहीं बताते कि भाई पेट्रोल लीकेज हो रहा है, वरना मैं तो रप रप निकल जाता। देखिए कितना बॉटल में पेट्रोल निकला, मतलब इतना पेट्रोल लीकेज हुआ पूरा। मतलब मैंने फर्स्ट टाइम इसको फुल टैंक किया, फुल टैंक करने के बाद नीचे से पेट्रोल ले गिर रहा है। जैसे भाई ने बोला भाई पेट्रोल गिरा तो मानिए, मैंने यहाँ पे गाड़ी रोका और भाई ने देखो एक बोतल पेट्रोल बचा दिया। अभी मैं पहुँचा हूँ मलाड़ के ओबराय मॉल में पार्किंग में, जस्ट थोड़ा घर पर खाया नहीं था तो किंग बर्गर खाया इस बार, बट मैकडोनल्ड्स है। बाइक निकाल रहा हूँ अब, आवाज़ सुनना खाली, बाइक का बूम बूम कर देंगे यहाँ पे पूरा। चुम्मा दे इसको, चुम्मा दिया। क्या बात कर रहे हो? हो सकता है नेटवर्क का इशू, में भी आपको कॉल करते ऐसे ही हो रहा था। भाई यहाँ पे हम जोश में हैं, तो भाई साहब यहाँ पे हैं एनडी, एनडी नहीं भाई एनडी एनडी एमबी। अभी मैं अभी नबी नबी तो नबी भाई मैं बोलूंगा, बस वो एंड निकलता है, मुझे पता नहीं क्या टोन है। बीच बीच में पिकअप छोड़ रहा है यार, और मेरी फुल फट रही है क्योंकि मुझे बहुत जगह ट्रैवल करना है, रात को घर पे भी जाना है, और इसको कुछ हो गया तो मेरे कल के लेने के देने हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा रिस्क ले लिया मैंने। सामने नबी भाई रास्ते दिखाते हुए मुझको। सो भाई वीडियो की शुरुआत तो हो चुकी है, घर से यहाँ तक आ गए, बीच में गाड़ी भी मिस मैच फायरिंग करी तो मेरी हवा टाइट हो गई, तो भाई कहीं बिल्डिंग खराब तो नहीं हो गया। आज के हमारे पहले जो ग्राहक है उनसे आपको मिला देते हैं। अरे भाई फोकस कर, तो भाई आज के हमारे पहले ग्राहक क्रिएट कैम, आज के पहले ग्राहक हम हैं और इनसे हमने खरीद लिया है सोनी अल्फा 6300। वाह वाह। सो भाई देखो कलर कितना मैच कर रहा, हम दोनों रेड रेड बन के आए और यहाँ पे लाइन लगा पड़ा है। ओके लाइन लगा पड़ा, और भाई एक्सपीरियंस वाले इसलिए मैं इनको पकड़ लिया कि भैया हम तो तुम्हारे साथ जाएंगे, हमको कुछ पता नहीं। तो जैसे अंदर आए सबसे पहले टॉयलेट रूम लेके गए कि चलो पहले टॉयलेट दिखाते हैं कैसा है। उसके बाद कुदरत के मारे हैं, अक्ल शक्ल धोने के बाद अक्ल आती है हम लोगों की, कुदरत के मारे हैं। और सब यहाँ पे लाइन में है, और ये देखिए कैसा लाइन लगा है। तो सब ये लाइन में जाते हैं, वहाँ पे पासेस वो मिलता है, कुछ एक्स्ट्रा कूपन जो भी मिलेगा मैं आपको बताऊँगा। तो भाई इतने स्लो मोशन में, मतलब आई थिंक जो डीआईडी का राघो भी इतना स्लो मोशन नहीं करते जितना स्लो मोशन हम दोनों ने किया, मैं और मेरा शेर भाई। यहाँ पे शेर भाई कुछ बोलना चाहोगे? ओके तो पीछे भाग 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 शेर शेर आया। वैसे ये अनजान सा चेहरा देख के आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा हो, क्योंकि ये कैमरा हमने हैक कर लिया। मतलब लड़का है हमारे साथ ऐसा, उसको किडनैप नहीं किया हमने, किडनैप कर लिया हमने, पर उसका कैमरा जरूर हैक कर लिया, समझ रहे हो तुम? लाइन में लगा रखा है, तुमको कितनी देर होगी लाइन में लगे हुए? 45 मिनट हो चुके हैं। ब्लॉग देख रहे हो ना तुम हमारे? यस, नेपाल वाले ब्लॉग देखे मैंने, साथ में आपने जो मचाया था वो पूरा, मतलब एमएसके भाई के साथ मचाएंगे, आज भी मचाएंगे। ओके सो गाइस जिनको पता नहीं है ये कौन है, सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, तो मुझे पता चलेगा मेरी ऑडियंस कितना इनको देखती है। और हमारे साथ पीछे देखो कौन है यहाँ पे, विशाखा। क्या चाहिए तुमको? दुनिया तो हम दूसरी बार मिल रहे हैं यहाँ पे, सेकंड टाइम मिल रहे हैं। यस मैं देख रही थी यार, देखा हुआ है। फिर मैं बोली यार पता नहीं, आज बहुत अच्छे स्मार्ट बन के आए ना। अरे लड़के का सेटअप भी बहुत अच्छा, देखो हम कितने स्मार्ट स्मार्ट लग रहे हैं। पंडाला भी नहीं पहने, बाय द वे वैलेंटाइन डे आज। क्रिएटर का यूट्यूब का लोगो देखा ना, वो रेड होता है, इसलिए रेड रेड हो रहे हैं। अब कैमरा हम संभालते हैं भाई। ओके तो आ गए मंजिल के करीब, और हमारे साथ थैंक यू सो मच हमारे ब्लॉग में आने के लिए। और हमारे शेर भाई यहाँ पे कुछ कांड कर रहे हैं, ताकि मैं चाहते नहीं यूट्यूब वाले कि मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँ, तो यहाँ पे टाइम निकालने के लिए, मतलब कि सब कुछ हो गया था, मतलब मैंने नामों बता दिया, तो डायरी भी मिल गया, तो बुक से मिल जाता है, लेकिन मैं आगे बढ़ रहा था, लेकिन जैसे मैं वहाँ पे गया तो वो मुझे जाने नहीं दिया उस टाइम, हाँ पे बैंड चाहिए, तो ये गेमिंग वाले लाइन में गलती से मैं घुस गया। भाई 3 बजे निकलना है मेरे को, जल्दी कर दो यार प्लीज़। क्रिएटर कैंप चालू हो गया और हमारे पास है सिर्फ यहाँ पे 15 मिनट, और हमको यहाँ पे कुछ नहीं मिला, मतलब कुछ तो शॉर्ट आउट हो गया, खत्म हो गया। वैसे भी अब तुम निकले तो वहाँ टाइम हो गया ना, चलते सॉरी क्रिएटर कैंप अटेंड नहीं कर पाए। वैसे भी एक मियान में दो तलवार नहीं रह सकता, वैसे भी एक टाइम में दो इवेंट कवर नहीं कर सकते। तो फाइनली एक से 1.5 घंटे गंवाने के बाद एक बकवास सा भद्दा सा पट्टा मिला हाथ में, मतलब मैं तो कहूँगा आपको कभी क्रिएटर कैंप पे आना तो भाई टाइम पे आना, क्योंकि टाइम का बहुत है यहाँ पे, मतलब ये स्टार्टिंग एंट्री, पता नहीं कहाँ जाना अभी अपने को। ओके पोस्ट द डेट एंड द टाइम व्हिच यू वांट योर वीडियो टू गो लाइव।
तो यहाँ पे मैं आपको रियली सॉरी बोलना चाहूँगा भाई, बिल्कुल टाइम नहीं है। और अंदर जाके देखा, मैं आपको देखा कितने भीड़, मतलब पब्लिक बैठी है। और तो ये एक यहाँ का व्यू है जो पीछे लोग आके फोटो क्लिक कर रहे हैं। तो यहाँ से अब निकलते डायरेक्ट जियो गार्डन, जहाँ पे जाके प्रैक्टिस करना है। सो इसको उसमें कनेक्ट करते हैं हम लोग, अपने नसीब में ये क्रिएटर कैम। पीछे देखो, पीछे देखो असली क्रिएटर यहाँ पे। मैं ना नर्वस हो जाता हूँ यार कि क्या बातें करूँ क्या करूँ। ओके निकलते जल्दी, 2 मिनट निकलते बोलना चाहूँगा। हम यहाँ से निकल रहे, अब एक टाइम में 2 काम हो नहीं सकता। जियो गार्डन भी जाना अर्जेंट है, वहाँ पे टेक्निकल रिहर्सल भी करना है। जो सारी टीम पहुँच चुकी है और मैं यहाँ से जा रहा हूँ फ्लाइंग बीट से, लेकिन मुझे बिल्कुल टाइम, मैं पता नहीं यार, मैं भी आप लोग जैसे ही हूँ यार, किसी को नए लोग को देख के नर्वस हो जाता हूँ। अभी विशाखापट्टनम से और जब उनसे कैसे आराम से बात कर लिया, तो सेकेंड टाइम जब उनसे मिलूँगा जियो गार्डन में तब उनसे बात करेंगे। बाइक हमने वहाँ पे लगाया है, चलते हैं वहाँ पे ना। यहाँ से राइट मार के आगे से लेफ्ट मारना है, फिर लेफ्ट मार के सीधा सीधा जाना है, आपको एशियन आर्ट दिखेगा। एशियन आर्ट, ओके। और ये जियो का पार्किंग नहीं है क्या? का है, एक बार पूछ लो। इस बार सब उल्टा पुल्टा भाई, पूछो मत। पार्किंग के लिए जो मैंने स्ट्रगल किया है यहाँ पे, आज के बाद कभी बाइक नहीं लेके आऊँगा जियो गार्डन की, कभी नहीं लेके आऊँगा। पार्किंग के लिए इतना भागा मैं, मतलब एक पार्किंग से मतलब वहाँ पे जगह ही नहीं, दूसरे पार्किंग में गया वहाँ आपको सेफ्टी, मतलब भैया हम 9 बजे के बाद रहते नहीं है। फिर तीसरे पार्किंग में गया तो वहाँ हमें 24 घंटे की सिक्योरिटी मिली हमारी बाइक को। सो फाइनली जियो गार्डन पहुँच गए जाते बार, और थोड़ा लोकेशन देखते कि यहाँ पे लोग कैसे हैं और हमारे बड़े भाई लोग है क्या यहाँ पे, क्या बोलते हैं। ये तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया, पीछे देखो मुंबई 2019, और मेरा दोस्त ब्लॉगर देखो। तो सारे क्रिएटर चले गए, इस बार क्या शाम को सारा काम होने वाला है, तो शाम को मिलते हैं, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ, फ्रेश हो जाता हूँ। तो जियो गार्डन की टॉयलेट मतलब है, आए हैं यहाँ पे कोलैब करने के लिए, सब लोग कोलैब कर रहे हैं। ओके तो मुझे सब मिलकर एक साथ कोलैब करते हैं। यहाँ पे टिश्यू पेपर अवेलेबल है, टिश्यू पेपर बहुत सारा है यहाँ पे, ये काम आएगा। चलो रिकॉर्डिंग चालू करने ही भूल गया था मैं यहाँ पे, जैसा अभी क्या किया पानी से ऐसा मुँह साफ कर रहा था और रिकॉर्डिंग चालू नहीं किया था, वापस मुँह साफ कर लेता हूँ। ओके और यहाँ से टिश्यू पेपर मिल रहा है, बाद में दिखाता हूँ, कोई तो फूट गया यहाँ। तो जो लोग चैंग को जानते भाई, मैं आपको बता दूँ चैंग बहुत ही बुरा हो चुका है यहाँ पे। हमारे कुछ चेन्नई से हमारे सब आए हैं डांस करने के लिए, और इनको हिंदी नो हिंदी, तो मैंने कहा कि भाई मेरे बारे में बता दे कि मैं क्या करता हूँ, लेकिन चैंग ने मदद नहीं किया देखो वहाँ पे। और वो खुद की मदद कर, मतलब खुद आज स्कूटर से गिर गया वो, चार दांत और चैंग ड्राइव कर रहे थे स्कूटर, गिर गए। हाँ एक दोस्त है हमारा, सो सर फाड़ देंगे, आग लगा देंगे। ओके जब तक चालू किया, ये पूरी टीम है, तो हर टीम नाच कर रही है डांस। ओके तो लेंस के ऊपर कुछ तो कचरा गया, तो भाई यहाँ पे सभी को कॉस्ट्यूम मिल गया। ये देखो कॉस्ट्यूम भाई, देखो रहा नहीं जा रहा है, कॉस्ट्यूम मिला तो पहले पहन के चेक कर लो कि कॉस्ट्यूम सही है कि नहीं। इस बार ये जैकेट ऐसे पिछले साल जैसी, ब्लैक पैंट ब्लैक जीन्स और ब्लैक टी शर्ट, और हमारे सर यहाँ पे, ये तो बहुत पंगे हो गए यार, जस्ट मैंने इसको सब खोला और ये चेन देखो हाथ में आ गया यहाँ पे, अब क्या करना पड़ेगा, गाली खाना पड़ेगा मतलब। तो यहाँ पे सबको कॉस्ट्यूम मिल गया है, और क्या बोलो यार, मतलब सारा काम मतलब लेट के वजह से हुआ, मतलब वहाँ भी घाई घाई में गए, यहाँ भी घाई घाई में, सब कुछ खेल खत्म हो गया। अभी जैसे मेलविन परफॉर्म कर रहे हैं स्टेज पे, वहाँ पे हम लोग सभी जगह LED लगा है, जो सब लोग वहाँ पे देख रहे हैं बैठ के, जैसे पीछे देखिए LED लगा है वहाँ पे, सो वहाँ पे लोग LED में देख रहे हैं आराम से बैठ के, और वेट कर रहे हैं कि कब हमारी बारी आएगी, पीछे देख रहे सब बैठे यहाँ पे। ओके शूज़ देख लो, कभी सभी के शूज़ चेक करने वाले, मैं भी ब्लैक लाया हूँ, चेंज कर लूँगा थोड़ी देर में। ये ब्लैक पहन के आया, चैंग सो स्मार्ट, निखिल। तो मैं आपको यहाँ पे 2 लोगों से मिला दूँ, जो पहले 3 दिन हमारे साथ प्रैक्टिस किए, उसमें से एक ये है, चार ये, और एक ये इसके पीछे ये, ये दोनों ने पाली चेंज कर लिया, मतलब गद्दार है, बहुत गद्दार है, मैं इनके बारे में बाद में बताऊंगा, चुप रहे बात मत कर। सब लोग इसके चैनल को सब्सक्राइब करो, और सब फेक है, सब कैसा आदमी है। सो यहाँ पे गाना बज रहा है, हम लोग आ चुके हैं, मतलब जहाँ पे कल सारे क्रिएटर्स, मतलब सारे यूट्यूब के जो फैन है वो आने वाले यहाँ पे, मीट एंड ग्रीट का लाइन जो यहाँ पे कल होने वाला है। बेचारे हमारे चैंग को भाई किसी ने टिकट दिया नहीं यार, अगले बार चैंग तुझे अगली बार मिल जाएगा टिकट, डोंट वरी। स्टेज पे आ गए हम लोग, यहाँ पे स्टेज पे भी टेक्निकल रिहर्सल मतलब एक बार होने वाला है, तो भाई कर लेगा ना, एक्सीडेंट हो गया बेचारे का, थोड़ा दिखा दे रहा, ये देखो टूटी लगा के आए यहाँ पे, और सामने यहाँ पे टेक्निकल गुरुजी भी है, वो देखो टेक्निकल गुरुजी वहाँ।
यार थोड़ा तो जगह दे दो यार, माल अंदर से फूट रहा है, किलर हो रहा है टेक्निक। इसका कॉपीराइट नहीं आएगा, हम लोग बैठे हैं कि हमारी बारी कब आएगी यहाँ पे। ओके क्या सही है ना, बहुत हार्ड क्या बीट है भाई, सब ये ओ हो ले भारी, ओ बहुत भारी बीट है भाई, बहुत भारी बीट है। मेरा मन नहीं मान रहा था कि मैं वीडियो निकाल के नहीं लगाता, स्टेज पे आके प्रैक्टिस कर ले, मतलब एक बार प्रैक्टिस होगा रात को, प्रैक्टिस मतलब कंटिन्यू प्रैक्टिस होगा बैक टू बैक, इसका बहुत धांसु वाला होने वाला है। मैं भी लालम लाल लग रहा हूँ पूरा, और ये स्टेज है और पूरी ब्रांड बच गई है, तो पूरा मेरा फेस देख सकते हो तुम लोग, मेरा फेस देख सकते हो लास्ट टू आवर्स से हम लोग लिटरली मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ओके वापस से करते हैं, करते वापस से भाई, मिलते थोड़ी देर में, मिल खत्म भाई, खत्म हो गए, निकल रहे हम लोग यहाँ से। ओके